बालेश्वर जिला बालियापाल ब्लॉक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय परिसर में जेएन टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उद्घाटित हो जाए। ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बालेश्वर जिलापाल दत्तात्रेय भाऊसाहेब सिंधे उद्घाटन करते हैं। प्रथम पर्यायर 27 जन छात्र छात्री निजुक्ति ने पंजीकरण कर ट्रेनिंग नापर छात्र छात्री मान सुवर्णरेखा बंदर में विभिन्न कार्य निजुक्ति दिजा जिलापाल जेएन टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आज आरंभ बालियापाल हमारे जो पिला जो लोग हमारे जमी किसी देखती पोर्ट पर तो तंकर जो पिला अच्छा तंकु वोकेशनल ट्रेनिंग करी तंकु 100% जॉब देवाई ट्रेनिंग आरंभ हो जाए। पूर्वर गोटे बैच आम जाइला ये ट्रेनिंग नाप जमशेदपुर को सीटी ट्रेन होगी अनुगुल ढेंकनाल एरिया रे काम करुछंती से पिला माने बहुत खुशी भी अच्छा बट जेहेतु आमको यू से पठाइब को टे दूर होता मे बी जीओ पे बेस जापर असुविधा होता तो जो तंकर टाटा इंस्टीट्यूट अच्छी से ये तार कैंपस खोली टेम्पररीली गोटे जगार बहुत शीघ्र तंकर नुआ कैंपस इंडिपेंडेंट कैंपस भी से आरंभ कर देबे और सबू ट्रेड्स भी आरंभ कर देबे। थैंक यू। तेबे इंस्टीट्यूट बालियापाल शारीरिक महाविद्यालय परिसर रे होथिबारु विद्यालय परिसर विशृंखलित होबार संभावना थिले एहाकु स्थानीय लोके विरोध करि जे आमे बालियापालवासी हिसाब रे बालियापालवासी हिसाब रे बंदर को सपोर्ट करूछु बंदर होबार आवश्यक किंतु बालियापालवासी हिसाब रे जे बंदर बंदर जगार हो एटा बालियापाल कॉलेज 1976 मसीहा पाखरे कॉलेज हेची ए बालियापाल स्वाभिमान एठी झियो पिला माने पुआ पिला माने पाठ पढ़ुचंती बाहर बाहर पिला आसी पाठ पढ़ुचंती एठी सेफ्टी सिक्यूरीटी आगरु थाए किंतु आज जो ए बंदर वाला मानंकु टेंडर दे दिछन बालियापाल जो बीसीपी कॉलेज रो जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अछंती से माने विदाउट नॉलेज रे कहा विदाउट नॉलेज रे भी परमिशन दे देले केमिति तेणु से उद्देश्य रे आमे एठी समस्त को एकजुट करके बालियापालवासी आसीचु जे आमर ग्रीभांस हो शिक्षानुष्ठान शिक्षानुष्ठान हिसाब से रहू किंतु ये बंदर की हूँ कौन सी कंपानी की कौन सी जगह कौन सी बिल्डिंग टेंडर न दि जाऊ कहीं पाने भविष्य पाने पाठ पढ़ुं भविष्यपाई आउ कौन गोटे टेंडर आसिक ये गोटे पशिकी जो गोटे दुनिया प्रकार जात्रा चलती से ही भाया काम न करूँ मो कह कथा हो बालेश्वर कहीं जी एटा बंदर सहित किसी ना बंदर कम हो बंदर कम को आम बालियापालवासी हाँ ना ना ट्रेनिंग सेंटर टा ये उठेगी आमर बालेश्वर ना आउ कौटी भी कम करें जगह अच्छी दरकार पड़े जगह जदि आवश्यक आम जगह देवु आम बिल्डिंग देवु किंतु ना ना कलेक्टर परमिशन होली आम से कलेक्टर पर ग्रीभांस रखीचु कलेक्टर सर आसतु आम सार को पचारू सी जे आएस सी पाठ पढ़ की चाकरी करेणु आम सार को पचारू शिक्षानुष्ठान भितर यही भाया गैदरींग पुलिस आसवे दुनिया सब लोक आसवे ये सब दुनिया प्रकार हुआला हम यही प्रकार शिक्षानुष्ठान जदि नियम थी गाइडलाइन थी दिंतु कलेक्टर सर जब कहीदेवे आम पूरा खुशी आम पलिथिन उठे नहीं पलिजु जदि कलेक्टर सर कह शिक्षानुष्ठान एटा भी हो पार आमर विरोध होचुजे हूँ कलेज भितर कौन सी प्रकार बाहर लोक नपसंदु ये कलेज पे पाठ पढ़ुं शांति श्रृंखल पाठ पढ़ापी दिंतु किंतु बाहर लोक आसिक ये गैदरिंग नुहतु तो बाहर लोक एठिक न आसतु घटनास्थल में किसी समय पर उत्तेजना देखाई आईन श्रृंखला परिस्थित को दृष्टि रखी एक प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करे जिलापाल स्थानीय लोक बुझासुझा करने परिस्थिति शांत पड़ता। ये इनॉग्रेशन जेएन टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन था। जेएन टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में पहला अपना कैंपस बनाया था। आज के दिन यह 8वां कैंपस है। जेएन टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पिछले साल 3000 बच्चों को ट्रेनिंग देके नौकरी दिलाई। ये बहुत ही यूनिक इंस्टीट्यूशन है, खास इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा ट्रेनिंग जो होता है उसके बाद नौकरी हम लोग पक्का गारंटी करते हैं। तो नौकरी यहाँ आपको एक बार बच्चा अगर अंदर आ गया उसके बाद वो अपना पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया उसकी नौकरी पक्की है। तो इसी चीज़ का आज इनॉग्रेशन हुआ जेएनटीवीटीआई का 8वां कैंपस बलियापाल में। यही आज का फंक्शन का उद्देश्य था। ट्रेनिंग दे रहे हैं कुछ जो बच्चे लोग हैं वो आपको सेलेक्टिंग आ रहे हैं वो कुछ लोग कुछ बच्चे लोग ट्रेनिंग दिया वो बोल रहे हैं हमको ट्रेनिंग दे दे रहे हैं लेकिन फिर वो जो कंपनी में जो हमको मिले जॉब मिले वहाँ पे हम उनको ऐसे कर रहे हैं हम वापस आ रहे हैं बच्चे लोग को वापस आने। देखिए ये जो बात आप कह रहे हैं ये कहाँ तक सही है या नहीं इसका पुष्टिकरण हमें करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक मुझे पता है 19 बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग करने गए, 2 का ट्रेनिंग चल रहा है,
17 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जमशेदपुर में कर रहे हैं, अंगुल में कर रहे हैं, कलिंगानगर में कर रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि अधिकांश बच्चे जो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं और जिनका प्लेसमेंट भी हो गया है, उनसे जब हम पूछते हैं कि आप बालासोर में आके काम करना चाहेंगे, तो बोलते हैं नहीं, हम जमशेदपुर में रह के ही काम करना चाहेंगे, हमको बालासोर मत भेजिए। ये बहुत अच्छी बात है अगर बच्चे बाहर भी जाना चाहें। हमारा उद्देश्य क्या है, जहाँ बच्चे चाहते हैं हम उनको नौकरी वहाँ दिलाने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, कब तक स्टार्ट हो जाएगा? जैसे मैंने कहा पहले भी, ये पोर्ट का काम जब से टाटा स्टील इस पोर्ट को एक्वायर किया है तब से बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो गई है। लैंड का काम चालू है, आपको पता है 76% लैंड हम लोग एक्वायर कर लिए हैं। आपको ये भी पता है कि बहुत तरह के सर्वेज वगैरह चल रहे हैं, रेल रोड का काम भी पूरी तरह से चल रहा है। बहुत खुशी है मुझे ये बताते हुए कि नवंबर महीने में हमारा रोड का कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी शुरू हो जाएगा, इसी नवंबर महीने में। कितना लोग को यहाँ नियुक्ति मिलेगा? बंदरगाह में जब वो कंप्लीट, दो स्टेज है बंदरगाह का, जब प्रोजेक्ट चलेगा तब लगभग 10,000 लोग पीक में काम करेंगे लगभग। और जब उसका ऑपरेशन चालू होगा, प्रोजेक्ट साथ साथ चलते रहेगा, तो मेरा उम्मीद है कि 4-5 साल बाद जब बंदरगाह ऑपरेशन में आ जाएगा, तब हमें उम्मीद है कि कम से कम 10,000 लोग इस पूरे इकोसिस्टम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अवहनी न्यूज़ ओडिशा।